समय हम बहुत ही विषम परिस्थितियों में घिरे हुए हैं। भारतवर्ष का सबसे बड़ा शत्रु और नृशंस लुटेरा गजनवी छल कपट से यहाँ पहुँच गया है। हमने तो सुना है कि वो सोमनाथ महालय को लूटने आया था। आया था अवश्य, परंतु उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। संभवतः सर्वज्ञ प्रभु ने संकट भांप कर उस कोष को कहीं छुपा दिया हो। हमें यह सूचना मिली है कि जाने से पहले सर्वज्ञ प्रभु ने एक माला राजकुमारी शोभा को दी थी, और गजनवी को इस बात का संदेह है कि उस माला में सोमनाथ महाले के कोष का मानचित्र है, और वो उसी की खोज में भरूच गया है। प्यारे भरूचवासियों, इस समय बड़े भारी मन के साथ मुझे आप सबको ये दुख भरा समाचार सुनाना पड़ रहा है कि ये भरूच नरेश महाराज दत्ता चालुक्य, महारानी गायत्री बहन, राजकुमारी चौला और हमारे पति के साथ साथ राजकुमारी शोभा इस संसार में नहीं है। आज रात उनके राज के सम्मान के साथ साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आप सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अवश्य आइएगा। शीघ्र सारी चिताओं को आग लगाओ। गजनवी के पहुंचने तक सिर्फ किरीट चालुक्य की चिता बची रहनी चाहिए। शीघ्र करो। मेरे पास शोभा को मृत घोषित करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तुम थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रख सकती थी? तुम्हें तनिक भी आभास है कि हम कितनी बड़ी विपता में फंस चुके हैं? विपता? हाँ इंदु भाई, गजनवी को अब शोभा जीवित चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। उठाओ ये मनहूसाक। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सुल्तान हजरत की आज्ञा का पालन करो, शीघ्र आग बुझाओ। हमसे झूठ बोला तूने कमीने तकाबाज, अब हम मरी नहीं है। आपके क्रोध से बचने के लिए हमने आपसे झूठ बोला। क्या हुआ बाबा हजरत? आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ये किसके ताए? बापू जी के? सम्राट, शुभ समाचार है, स्वराज से अब संकट टल चुका है। क्या? जी सम्राट, गजनवी की मां का निधन हो गया है, इसलिए वो विंध्याचल के मार्ग से गजनी लौट रहा है। और भरूच की स्थिति क्या है? महाराज दद्दा चालुक्य, महारानी गायत्री, राजकुमारी चौला और महाराज किरिट चालुक्य और उनकी पुत्री राजकुमारी शोभा, इन सबको निर्ममता से हत्या कर दी गई। तुम्हें मैंने निकाल दिया था ना, फिर दोबारा क्यों वापस आ गई? आपने तो मुझे निकाल दिया, परंतु आपके भाई ने मुझसे विवाह किया है। अरे हमारा बच्चा है प्रार्थन तुम्हारे। इंदु भाई, इसे शरण दे दो। हमें प्रजा के बीच अपनी छवि बनाकर रखनी होगी, तभी वो हृदय से हमें अपना नरेश माने। ये बीती बातें भूल जाओ और इसे शर्म में।